हमारे बीच में एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं और बहुजन समाज पार्टी को युवा साथियों को फैलाने का बहुत बड़ा ये आंदोलन कर रहे हैं, उसी आंदोलन को लेकर आज जंतर मंतर पे हैं। आइए इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करेंगे। दीपक पांडे जी, आप बहुत अच्छे से बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं और आपने ये सारा युवा संगठन इकट्ठा किया है, क्या आपकी मंशा है? जी जी, जैसे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हम लोग सबसे पहले ये एक सिस्टम की लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो हम जब सिस्टम की लड़ाई लड़ने के लिए एक अपने कमेटी के साथ विचार कर रहे थे तो हमें पता चला कि जो हमारी एक बहन है अनीता, तमिलनाडु से बिलोंग करती है, उन्होंने सिस्टम की फेलियर की वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस सिस्टम से लड़ाई लड़ने के लिए क्या है? सिस्टम चल रहा है जो नीट का मामला चल रहा है, जिसकी वजह से गरीब तबके के एक वंचित वर्ग के लोग सिस्टम के फेलियर की वजह से पीछे रह जाते हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तब उसी के बीच में हम लोग ये प्लान कर ही रहे थे, तब तक गौरी लंकेश का हमें मुद्दा मिल गया कि जो क्या हुआ कि एक विशेष तबके के लिए या विशेष वर्ग से हट के बात करने वालों को लगातार पत्रकारों, पत्रकार हो या कोई अव वर्ग हो, उन्हें मार दिया जाता है। तो इस रवैये के विरोध में हम लोगों ने आज यहाँ जंतर मंतर पे एक विरोध प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन और रैली किए हैं। ये हमारा बेसिकली मुद्दा था आज का। आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं और 70 साल के बाद भी आज लोग सुरक्षित नहीं है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि विचारधारा होती है, जो एक विचारधारा जो इसमें सत्ताधारी लोग हैं, एक ऐसी विचारधारा है कि जो विशेष वर्ग को कुचलने का प्रयास करते हैं। वो विशेष वर्ग में जो होता है क्या कि जो लोग नीचे एक तबके के होते हैं, चाहे जो भी बिलोंग करते हैं, उन्हें कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाई जा रही है। उस आवाज़ को दबाने से क्या होता है, इनका वर्चस्व कायम रहता है। तो ये लोग अपने वर्चस्व और सत्ता को कायम रखने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आज देश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है, किसी भी स्टेट में जाकर के देखोगे वहाँ पे अराजकता का माहौल फैला हुआ है। तो ये इसलिए फैला हुआ है क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग अराजकता फैला रखे हैं कि अगर ये लोग एक विशेष वर्ग से नहीं जुड़ेंगे, उनको कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो इनकी सत्ता में ये दोबारा नहीं वापस आएंगे। सत्ता में दोबारा वापस आने के लिए एक विशेष प्रकार की मुहिम चला रहे हैं ये सत्ताधारियों का। इसमें पूरा हाथ है कि विशेष वर्ग को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके खिलाफ की कोई सत्ता के खिलाफ आवाज़ ना उठा दे, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया। अभी गौरी लंकेश का जो मर्डर हुआ है और ये ट्विटर पर जाके ट्वीट किया जा रहा है, गलत तरीके से ट्वीट किया जा रहा है, एक इतनी निष्पक्ष लिखने वाली जो जर्नलिस्ट थी और राइटर थी, तो उनके मर्डर की वो के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बस उनके मर्डर के बारे में यही कहूँगा कि वो एक विशेष वर्ग के बारे में उन्होंने लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस वर्ग के बारे में लिखने वाले कुलबर्गी, पारशेकर, ऐसे 4-5 जर्नलिस्ट हैं जो साउथ के, उस वर्ग के विशेष वर्ग के बारे में उन्होंने लिखा, उस समुदाय के बारे में, उस संगठन के बारे में लिखा। उस संगठन के बारे में उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो आप देखेंगे कि एक सीरियल वाइज से लोगों की मौत होती जा रही है। 4 लोगों के बाद 5वीं लोग गौरी लंकेश जी हैं। तो क्या है कि उस संगठन के बारे में जो भी लिख रहा है मौत की घाट उतर जा रहा है। इसलिए हम लोग, बहन जी ने जैसा कहा था कि इस जो गौरी लंकेश का मामला है, चाहे कुलबर्गी जी का मामला है, इन मामलों में NIA की जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए, वो जांच न सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो न ही स्टेट गवर्नमेंट के, वो निष्पक्ष जांच हो, उस पर किसी भी गवर्नमेंट का कोई अधिकार ना हो, उन्हें न्याय हो, कि पता किया जाए कि ये कौन है कि जो सीनियर क्लीनिंग पत्रकारों को जो विशेष संगठन के विपरीत लिखने पर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। न्याय इससे क्या है कि न्याय के लोग मांग नहीं कर सकते, लोगों में एक डर सा पैदा हो गया, पत्रकार हो या आम नागरिक हो, सबके बीच में एक डर पैदा हो गया है। उस डर को हम लोगों को निकालना है, हम लोगों को मांग करना है कि एक ऐसा देश में माहौल बनाया जाए जिससे लोग अमन शांति से रह सकें। युवा साथियों से आप क्या अपील करेंगे? हम युवा साथियों से यही अपील करेंगे कि आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं, BSP युद्ध मैदान में आप आइए, हमारे कंधों से कंधा मिला के चलिए। हम लोग माननीय कांसी राम जी की तरह अब हर गांव-गांव में जाएंगे, अपने युवाओं को जोड़ेंगे, जो युवाओं को जो समस्याएं हैं, चाहे ग्रामीण युवा हैं, शहरी युवा हैं, सबकी युवाओं को समस्याओं को समाधान करेंगे। युवाओं के दिल के अंदर इस तरीके की भावना, इस तरीके का रोष है कि अपने आप को सुरक्षित नहीं समझा रहा, जो निष्पक्ष लिखते हैं और सच्चाई बोलते हैं तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी उन्होंने ये इस तरीके से आश्वासन दिया है कि हम सभी युवा साथी इकट्ठे होंगे और अपनी बात को रखेंगे।